श्री राम चरणानुरागी आचार्य राज मिश्रा जी से धर्म, संस्कृति और एस्ट्रोलॉजी से संबंधित जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को क्लिक करें। जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा और लेकर के हाजिर हूं राशि मिथुन के लिए 2020 मार्च महीने का राशिफल। हमेशा प्रयास रहता है कि आप लोग अच्छी जानकारी प्राप्त कर पाएँ और धर्म के सही मार्ग पर चल करके अपने जीवन को सुख शांतिपूर्वक व्यतीत कर पाएँ। इसी कामनाओं के साथ हम एक नया प्रोग्राम हमेशा लेकर के आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखा करें और लोगों को भेजें ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा पाएँ। हम बात करेंगे मार्च महीने में मिथुन राशि के लिए कैसी रहने वाली परिस्थितियाँ, लेकिन उससे पहले मार्च महीने में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हाइलाइट्स क्या हैं मार्च महीने के, उसको आप लोगों को व्रत और त्यौहार जो है उसके बारे में छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। 1 मार्च को होलाष्टक प्रारंभ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्षमा चाहूँगा 3 मार्च को होलाष्टक प्रारंभ हो जाएगा। 3 मार्च से लेकर के 9 मार्च तक होलाष्टक रहेगा। इन दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं। शुभ कार्य का मतलब क्या है, मुंडन संस्कार इत्यादि नहीं करते हैं, गृह प्रवेश इत्यादि नहीं करते हैं, नया मकान खरीदना या उसको बनाना हम नहीं शुरू करते हैं, प्रयास नहीं किया करते हैं। विवाह इत्यादि के जो कार्य हैं वो भी वर्जित होते हैं। तो जो ऐसे शुभ कार्य हैं होलाष्टक के समय पर, हम इस प्रकार के जो शुभ कार्य हैं उनको नहीं किया करते हैं। 9 मार्च को होली जलेगी और 10 मार्च को जो होली है वो खेली जाएगी। उसके साथ 6 मार्च को एकादशी का व्रत होगा। आप सभी लोग जानते हैं एकादशी के दिन चावल इत्यादि का ग्रहण नहीं करना चाहिए। चावल इत्यादि खाने से निश्चित रूप से शरीर में रोग होने की संभावना रहती है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने भी इस चीज़ को प्रूव किया है। अब अगर और चीज़ों को लेकर के देखा जाए, 20 मार्च रात्रि को पंचक प्रारंभ हो रहा है, करीब 21 मार्च सुबह हो जाएगा, 26 तारीख तक रहेगा पंचक के समय। बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, किसी की मृत्यु इत्यादि हो तो उसकी जो अंतिम क्रिया है उसका विशेष प्रक्रिया होती है। पंचक में भी घर इत्यादि बनाना या खरीदने का जो कार्य है वो नहीं करना चाहिए। मुंडन संस्कार इत्यादि भी वर्जित माने जाते हैं। मंगल 22 तारीख को मकर राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। 24 मार्च को पितृ शांति हेतु, पितृ प्रसन्नता हेतु अमावस्या तिथि होगी, तो उस दिन पितरों के निमित्त पूजन, पितरों के निमित्त ध्यान, पितरों के निमित्त यज्ञ इत्यादि करके पितरों को भी प्रसन्न किया जा सकता है। अब महत्वपूर्ण है, हम प्रारंभ करते हैं अपने विषय पर कि मिथुन राशि के लिए किस प्रकार रहने वाला है मार्च का महीना। आपको बताना चाहूँगा मध्य महीना यानी 14 तारीख तक का जो समय होगा वो आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है धार्मिक चीज़ों को लेकर के। अगर इन दिनों में 1 से लेकर के और 14 तारीख के बीच में कोई भी धार्मिक कृत्य करेंगे, कोई पूजा करेंगे, कोई पाठ करेंगे, कोई यज्ञ करेंगे, तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत जो उसका लाभ है वो निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगा। कोई भी धार्मिक यात्रा इत्यादि करना चाहते हैं तो भी 1 से 14 के विषय में करें, 1 से 14 के बीच में करें। इस समय पर धार्मिक यात्राओं का भी आपको पूर्णतः लाभ प्राप्त होगा। कोई ऐसा कार्य है जो सिर्फ भाग्य से संबंधित है, यानी अपना मेहनत तो करना ही है लेकिन अगर भाग्य साथ देगा तो ही ऐसा कार्य आपका संपूर्ण होगा, तो ऐसी परिस्थिति में 1 से 14 तारीख के बीच में उस कार्य के लिए निश्चित रूप से आपको प्रयास किया करना चाहिए, आपको सफलता मिलेगी। किसी भाई या बहन के वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम चल रही है और उसमें आपकी हेल्प से सुधार हो सकता है, भाई या बहन के वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम चल रही है और उसमें आपके प्रयास करने से सुधार हो सकता है, तो 1 से और 14 तारीख तक का जो समय है वो आपके लिए बहुत बेहतर है। इस समय पर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। उसके साथ अगर किसी भाई या बहन की मैरिज नहीं हो रही है और आप गार्जियन हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, जो भी हैं, आप उसके लिए चिंतित हैं और प्रयास करना चाहते हैं कि मैं प्रयास करूँ ताकि मेरे जो भाई बहन हैं उनकी मैरिज हो जाए, वैवाहिक जीवन अच्छा रहे, तो 14 तारीख तक उसके लिए भी किया गया प्रयास निश्चित रूप से आपका सफल होगा। लेकिन 14 तारीख के बाद की परिस्थितियां हमारी किस प्रकार रहने वाली हैं, 14 तारीख के बाद की जो परिस्थिति है वो हमारे कार्य क्षेत्र पर फोकस करने वाली है। 14 तारीख के बाद अपने नौकरी यदि नहीं है तो उसको तलाशने का प्रयास करें, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। नौकरी में प्रमोशन इत्यादि प्राप्त करना चाहते हैं या करना चाहते हैं उसके लिए प्रयास करें, उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। गवर्नमेंट क्षेत्र इत्यादि में भी जॉब करना चाहते हैं या करना चाहती हैं तो उसके लिए आप प्रयास करें, आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। व्यापार करते हैं या करती हैं, ऐसी परिस्थिति में अगर व्यापारिक कार्य के लिए भी
प्रयास किया जाएगा उसको बढ़ाने के लिए, व्यापार को बेहतर करने के लिए, नया व्यापार शुरू करने के लिए, व्यापार में चल रही दिक्कतों को दूर करने के लिए। अगर इन सभी चीज़ों पर प्रयास करना है तो हमें तारीख 15 के बाद इस पर प्रयास करना होगा, निश्चित रूप से अच्छी सफलता प्राप्त होगी। पिता का आशीर्वाद इस माह आपके जीवन को सुखमय बनाने वाला होगा, तो किसी भी महत्वपूर्ण कार्य पर जाते हुए रोज पिता के चरणों का स्पर्श करें, बहुत बेहतर है। नहीं कर सकते हैं, किसी भी महत्वपूर्ण कार्य पर जा रहे हैं या जा रही हैं, पिता को प्रणाम करके जाएं, देखिएगा आपका कार्य सफलता देने वाला होगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। कोई भी और अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए, अधिक जानकारी चाहिए, निजी वेबसाइट का एड्रेस आपको दिखाया जा रहा है, प्लीज़ उस पर विजिट करें। आप हम प्रतिदिन उस पर नई नई चीज़ें जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं वो चीज़ें अपलोड करते हैं। manasjyotish.com करके वेबसाइट का एड्रेस है, आप उस पर जाएंगे, रोज़ के सुविचार, रोज़ क्या करें क्या ना करें, इन चीज़ों को हम जरूर पोस्ट करते हैं। हमारे टीवी चैनल्स के जो स्पेशल प्रोग्राम है जो हम यूट्यूब चैनल पर नहीं डाल पाते हैं वो भी प्रोग्राम्स आप देख सकते हैं। हम कब कहां कौन से क्षेत्र में होंगे वो भी आप जान सकते हैं। अगर बातचीत इत्यादि करना चाहते हैं मुझसे या संस्थान में जो हमारे विशेष मार्गदर्शक हैं तो भी आप उस पर विजिट करके आराम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कॉल करके बात इत्यादि कर सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। आप प्रसन्न रहें, आपका जीवन सुखमय हो, परिवार का जीवन सुखमय हो, यही मेरी शुभकामना है। जय श्री राम।